नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजातरीन खबरों पर। लांजी जनपद सदस्य एकता संघ द्वारा पांच सूत्रीय मांगों को लेकर 23 जनवरी को तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन किया गया। 23 सूत्रीय मांगों में पंचायती राज अधिनियम एक्ट 1993 1994 जनपद सदस्यों को जो अधिकार दिया गया था वही पुनः वापस लिया जाए एवं अन्य और भी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। ये प्रदेशव्यापी हड़ताल है, इसमें समस्त जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यगण सभी लोग सम्मिलित हैं और हमारी पांच सूत्री मांग है। पांच सूत्री मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन है, तालाबंदी कार्यक्रम है। इसमें सबसे पहला जो है कि हमारा जो पंचायत राज अधिनियम है 1993-94 उसको पूर्ण रूपेण लागू किया जाए और जो ग्रांट फंड जैसी योजना है उसको तत्काल लागू करके टाइट एंड टाइट को ख़त्म किया जाए। मानदेय भत्ता जो है वो बढ़ाया जाए और हमको जो है ग्राम पंचायत से जोड़ के, क्योंकि हम ग्राम पंचायत से होके आते हैं तो ग्राम पंचायत से हमें जोड़ा जाए। ग्राम पंचायत से जो जिस प्रकार से हमारे ग्राम पंचायत की कार्य योजना आती है उसमें हमको सम्मिलित किया जाए। इस प्रकार हमारी पांच सूत्री मांगे हैं। पांच सूत्री मांगे को लेकर के सभी जनपद पंचायतों में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तालाबंदी की जा रही है और यदि ये इस पर भी सरकार हमारा कुछ नहीं करती है तो आने वाले समय पर हम लोग इसको लंबी हड़ताल के रूप में जाएंगे और अपनी मांग मनवाएंगे। कितने दिन का अल्टीमेटम सरकार को दे? सरकार को लगभग एक सप्ताह का अल्टीमेटम है और अभी हम सामने 26 जनवरी भी है। आज हमने सरकार को बताया कि हम लोग सब एकत्रित हैं, संगठित हैं और सभी लोगों की मांग है कि जो हमारे को अधिकार नहीं दिया गया वो अधिकार दिया जाए ताकि त्रिस्तरीय पंचायत राज जिन्होंने भी लागू किया है वो सार्थक हो, सिद्ध हो। आज यहाँ पालक मंत्री का आगमन है बालाघाट जिले के लांजी तहसील में, तो क्या उनको भी आप ज्ञापन के बारे में? आज हम पालक मंत्री को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के उनके हमारे पालक मंत्री को उनके द्वारा ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। आज हम जनपद सदस्य द्वारा किस मांगों को लेकर हड़ताल की गई है? और जनपद सदस्य संघ द्वारा मध्य प्रदेश के सभी पंचायतों जनपद पंचायतों में आज संघ के द्वारा तालाबंदी आंदोलन किया जा रहा है, जिसके तहत पूर्णतः पुराने जो मांगे हैं हमारी 1993-94 का जो पंचायती राज नियम है उसे लागू करने की मांग को लेकर के आज आंदोलन किया जा रहा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि देश में एक कानून एक इसकी बात की जा रही है, तो पंचायती राज सभी राज्यों में अलग अलग जिस प्रकार से चल रहा है, मध्य प्रदेश में अलग है, छत्तीसगढ़ में अलग है, हमारा सीमावर्ती महाराष्ट्र में अलग है, तो हम ये चाहते हैं कि पंचायती राज समान। लांजी से खबर समय जगत के लिए रुपेश रावते की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.